और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित, चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। लव जिहाद धर्मांतरण पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन धर्म को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इस साजिश को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे पूरा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर किया पलटवार, कहा रमन सिंह के समय जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने, 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। राजनंदगांव में रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश के कांग्रेस सरकार से सभी वर्ग परेशान, सरकार के खिलाफ प्रदेश में चलाएंगे अभियान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्री से मांगी 4 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट, विधानसभा क्षेत्र और मैदानी लड़ाई में परफॉर्मेंस का मांगा ब्यौरा। कुमारी शैलजा का मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने पर बीजेपी ने साधा निशाना, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा मंत्रियों का नहीं मुख्यमंत्री का रिपोर्ट मांगे शैलजा। दमतरी में व्यापारी से 4 लाख के उगाही की कोशिश, व्यापारी के घर पर्चा फेंक कर दी हमले की धमकी, साइबर सेल ने आरोपी को रायपुर से पकड़ा। मनेंद्रगढ़ में परिवार ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, कलेक्टर से मांगी इच्छा मृत्यु, प्रशासन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगाने का भी नहीं दिखा असर, पटवारियों ने जलाई एस्मा की कॉपी, 15 मई से हड़ताल पर है पटवारी संघ। दंतेवाड़ा में नशे के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 61 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरबा में बीईओ के नाम पर क्लर्क ने ली घूस, रिश्वत लेने के बाद शिक्षक से बोला क्लर्क, बीईओ साहब को देना होगा हिस्सा। रायपुर में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को निकाला बाहर, ओल्ला के लटर्रा की दुर्घटना। रायगढ़ में रोजगार के लिए प्रदर्शन, प्लांट के गेट पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, वेस्ट पावर प्लांट में की रोजगार की मांग। कांकेर में नशीली दवाइयां बेचने वाला गिरफ्तार, घर के पास बेच रहा था नशीली दवाएं, मौके से गांजा और नशीली दवाएं जब्त। कपड़ा में गौ तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ा, ट्रक में भरकर मवेशी ले जा रहे थे कत्ल खाने, ग्रामीणों ने 50 किलोमीटर तक किया तस्करों का पीछा। बलरामपुर में एसडीएम पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप, मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, एसडीएम का तमाम आरोपों से इंकार। कोरबा में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, सड़कों पर पार्किंग बनी बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम से बढ़ी प्रदूषण और गंदगी। अंबिकापुर में डैम में डूबने से 14 वर्षीय नाबालिग की मौत, पुलिस ने नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, घटना की जानकारी से गांव में फंसा माता। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।